हम बिग बॉस सीज़न 17 के फर्स्ट रनर अप रहे और बिग बॉस के घर से निकलने के बाद घर घर में फेमस हुए। अभिषेक कुमार को लेकर खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अभिषेक के साथ साथ ये बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी हुई फाइनल, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, इस समय खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 इसको लेकर सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। खतरों के खिलाड़ी अब नए सीज़न में वापसी कर रहा है। बिग बॉस से निकलने से पहले ही खतरों के खिलाड़ी के लिए अभिषेक कुमार को ऑफर दिया था और बिग बॉस के घर के अंदर ही रोहित शेट्टी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अभिषेक को लेकर खतरों के खिलाड़ी में ज़रूर उनको लाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अभिषेक की एक्स गर्लफ्रेंड रही ईशा मालविया का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि वो इस शो को ज्वाइन करने वाली हैं। ईशा ने तो खुद ये बात क्लियर किया है कि ईशा भी इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं। हालाँकि ईशा का और अभिषेक का जो रिलेशन है वो अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन अब कैसे खतरों से खेलते हैं अभिषेक ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रोहित शेट्टी ने कंफर्म कर दिया है और रोहित शेट्टी की टीम की खबर माने तो अभिषेक कुमार का नाम कंफर्म हो चुका है। अभिषेक के साथ साथ ईशा मालविया और बिग बॉस सीजन 16 के एक्स कंटेस्टेंट रही निमृत कौर आलूवालिया, जो कि अभिषेक की दोस्त भी हैं, और निमृत कौर आलूवालिया का नाम कन्फर्म हो गया है। तो ये तीन बड़े कंटेस्टेंट जिनको रोहित शेट्टी ने कन्फर्म कर दिया है। यही नहीं है, इसके अलावा और भी कई कंटेस्टेंट हैं। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक मनीषा, एल्विश, अभिषेक की भी चर्चाएं हैं कि वो इस शो को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए अभिषेक कुमार, ईशा मालविया और निमृत कौर आलूवालिया ये वो तीन बड़े कंटेस्टेंट हैं जिनका नाम कंफर्म हो गया है। और एक बार फिर आपको एक बड़ी लड़ाई अभिषेक और ईशा के बीच में भी देखने को मिलेगी खतरों के खिलाड़ी में। जिस तरीके से बिग बॉस सीजन 17 में अभिषेक को डिफेम करने के ईशा ने हर वो कोशिश की बावजूद, उसके अभिषेक आज ईशा से ज़्यादा पॉपुलर हैं और ईशा से ज़्यादा प्यार बटोर रहे हैं। तो फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आप किस कंटेस्टेंट को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।